आगरा में 10,000 वृद्धा पेंशनर्स की पेंशन पर छाए संकट के बादलों को दूर करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने रणनीति बनाई। सभी पेंशनर्स के लाभार्थियों की जल्द से जल्द पारिवारिक आईडी बनवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही आगरा डीएम ने पेंशनर्स की समस्या को जल्द दूर करने के आदेश भी दिए हैं। 10,000 पेंशनर्स की पेंशन पर संकट के बादल मंडराए हुए थे। इन सभी पेंशनर्स की आईडी नहीं बनी थी। पेंशनर्स की समस्या को दूर करने के लिए विभाग कार्य में जुटा हुआ है। साथ ही आगरा डीएम ने पेंशनर्स की समस्या के निदान के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं। विभाग ने पेंशनर्स की आईडी की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का कार्य किया। जनपद में 17,000 ऐसे पेंशनर्स लाभार्थी थे जिनकी आईडी नहीं बनी हुई थी। सीडीओ की सख्ती के बाद सभी पेंशनर्स की आईडी बनवाने का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। समाज कल्याण अधिकारी और अन्य को आईडी बनवाए जाने के कार्य में लगाया गया है ताकि विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली पेंशन किसी भी लाभार्थी की ना रुक सके। देखिए, अभी एक हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन चलती है जिसमें कुछ तकनीकी परिवर्तन होने के कारण लगभग इस जिले के 10,000 के आसपास लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल पा रही थी। वो तकनीकी परिवर्तन ये था कि इस बार आधार बेस्ड अकाउंट में लाभार्थियों के खाते में पेंशन जा रही है, तो बहुत सारे लाभार्थी ऐसे थे जिनका आधार फीड नहीं था। इधर हमने लगभग एक महीने में डीएम साहब के निर्देशन में 10,000 से अधिक लाभार्थियों के आधार फीडिंग का कार्य किया है। इनको अगली किस्त में धनराशि उनके खाते में सीधे उनके खाते में जाएगी मुख्यालय से। जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति ने बताया कि पेंशनर्स की पारिवारिक आईडी नहीं बनी थी, जिसको आगरा डीएम के निर्देश अनुसार एक महीने में 10,000 पेंशन लाभार्थियों की आईडी बनाने का कार्य किया गया है। सी न्यूज के लिए लाखन सिंह की रिपोर्ट।